आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ में। मैं अलका बिरदी। वास्तु और ज्योतिष दोनों ही एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं। आपकी कुंडली में जिस तरह से ग्रहों का प्लेसमेंट कुंडली में होता है, अधिकतर उसी तरह से आपका घर होता है। इसमें कहा जाता है कि घर में रहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और उसमें अलग अलग कुंडलियां भी हैं, तो हमेशा जिसके नाम से घर है उसकी कुंडली से ही रिलेटेड वो घर होता है। तो इसलिए विद्वानों ने कहा है कि ज्योतिष और वास्तु दोनों ही एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं। विद्वान ज्योतिष आपको कुंडली देखकर भी बता सकते हैं कि आपका घर किस तरह से होगा और वहाँ पे क्या-क्या वास्तु दोष होंगे। जैसे अगर मेरी कुंडली की बात करें तो मेरा मेरा भाग्य का स्थान जो है, नौवां स्थान जो है, वो बिगड़ा हुआ है। तो जब भी मैं घर में रही हूँ, जिस भी घर में मैं रही हूँ, वहाँ पे हमेशा साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ वास्तु दोष रहा ही है और हमेशा हमको लोगों को उसकी रेमेडी करनी ही पड़ी है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्योतिष और वास्तु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पश्चिम दिशा के बारे में आज मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगी। ये सारी बातें मैं आपके छोटे छोटे जनरल नॉलेज के लिए दे रही हूँ। वैसे तो वास्तु का विज्ञान बहुत ही वृहद विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए समय चाहिए, कम से कम 6 महीना, साल। अब मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। ज्योतिष और वास्तु दोनों ही ऐसे विज्ञान हैं, आप जिसको जितना सीखेंगे, जितना जानेंगे, जितना पढ़ेंगे और जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतना ही आपको इसका एक्सपीरियंस और ज्ञान होता चला जाएगा। तो आज हम जानेंगे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा वायु तत्व को इंडिकेट करती है, उसके स्वामी वरुण देवता हैं और प्रतिनिधि ग्रह शनि हैं। अगर आपके घर की पश्चिम दिशा वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो निश्चय ही आप धनवान व्यक्ति होंगे, अच्छी सेविंग होगी और सुख शांति आपके घर में बनी हुई होगी। पश्चिम दिशा खास करके आपकी सेविंग को और अच्छे कर्मों को दर्शाती है, क्योंकि उसके प्रतिनिधि जो ग्रह हैं वो शनि देव हैं और शनि देव होते ही न्यायकारक है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही रिजल्ट देने वाले हैं। तो जनरली जिनके भी शनि अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छे ही कर्म करते हैं, सात्विकता से जुड़े रहते हैं और उनका घर भी पश्चिम दिशा में हमेशा वास्तु के हिसाब से होता है। फिर भी जानकारी दूंगी कि पश्चिम दिशा में छोटे छोटे क्या दोष होने से क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या घटित हो सकता है। अगर आपके पश्चिम दिशा की दीवारों में दरारें हैं, तो ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो कुछ अर्निंग कर पाते हैं या सेविंग कर पाते हैं। उनकी लाइफ संघर्ष से भरी हुई रहती है। अगर आपके घर में पश्चिम दिशा में बेडरूम या बाथरूम है, तो ऐसे घर में रहने वाले पति पत्नी बिना किसी कारण के एक दूसरे से अलग अलग होकर रहना पड़ता है। अर्थात किसी न किसी कार्य हेतु या तो पति बाहर चले जाएंगे या पत्नी बाहर चली जाएंगी। उसके पीछे कोई मेजर रीज़न नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक साथ नहीं रह पाते हैं। अगर आपका पश्चिम दिशा में किचन है, तो ऐसी जगह में रहने वालों को सेविंग से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। वो पैसा नहीं बचा पाते हैं। किचन है या वहाँ पे डोर है या उस तरफ पे ढलान है, तो ऐसे रहने वालों को सेविंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। किचन होने से वहाँ पे एसिडिटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे स्थान में रहने वालों को, क्योंकि किचन के स्वामी मंगल देवता हैं और जब वायु और मंगल दोनों एक साथ मिलते हैं
तो और शनि ग्रह ठंडे देवता हैं ना, बोला जाता है शीतल प्रकृति के हैं, तो अग्नि और शीतलता जब एक साथ मिलती है तो वो ऐसे इंसानों को एसिडिटी क्रिएट करती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देती है। और अगर आपके घर में पश्चिम में पूजा ग्रह है तो वहाँ रहने वाला व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिष का ज्ञाता, तंत्र मंत्र साधना करने वाला और गूढ़ रहस्यों को जानने वाला हो सकता है। और अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है और आप वहाँ पे बड़ी बालकनी बनाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की ओर आप वहाँ पे बालकनी बनाइए। ये सारे वास्तु दोष आपके घर को प्रभावित कर सकते हैं अगर आप पश्चिम मुखी घर में रह रहे तो। और ये सारी प्रॉब्लम आपके पश्चिम में अगर है तो अब आता है कि हमें करना क्या चाहिए। आप अपने घर में पूजा स्थान में या पश्चिम दिशा में वरुण देवता के यंत्र की स्थापना विधि विधान से अभिमंत्रित करके कर सकते हैं। वहाँ से पश्चिम का दोष कम होगा। और वैसे तो वहाँ पे हेलिक्स भी डाला जा सकता है, लोहा भी डाला जा सकता है और एमिथिस्ट क्रिस्टल पश्चिम का कारक है, तो वहाँ पे कुछ किलो के हिसाब से चेक करने के बाद वो डिसाइड होता है कि वहाँ पे कितना वास्तु दोष है और उस पर कितना लोहा, एमिथिस्ट या रत्न डलेंगे। वो बूस्टर से, डाउजर से, ऐसे बहुत सारे लेकर एंटीना से चेक करने के बाद डिसाइड होता है कि वहाँ पे कितनी मात्रा में क्या डाला जाए जिससे वहाँ का पश्चिम का दोष समाप्त हो। लेकिन फिर भी वरुण यंत्र की स्थापना कर एमिथिस्ट का उपयोग करके आप पश्चिम दिशा को सुधार सकते हैं। और साफ सफाई, हाइजीनिक रहना और पेड़ पौधों का आपके आसपास रहना, हरियाली रहना भी कई सारे वास्तु दोषों को समाप्त करता है। तो जिस घर में भी रहें तो अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं। अगर पश्चिम दिशा का आंगन आपका बड़ा है, ढलान की ओर है, तो वहाँ कुछ एमेथिस्ट के क्लस्टर्स रखिए, जमीन के नीचे डाल दीजिए या शोपीस की तरह वहाँ अभिमंत्रित करके रखिए, चार्ज करके रखिए और बहुत ही सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे लगा दीजिए। तुलसी लगा दीजिए, क्रिसमस ट्री लगा दीजिए, ऐसे बहुत सारे एनर्जी के पेड़ आते हैं जिनको वहाँ लगाइए जिससे हरियाली पैदा हो वहाँ पे और वहाँ की दिशा का नेगेटिव प्रभाव कम हो। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे उपायों से आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये टिप्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा ये चैनल अलका बिरदी के नाम से जो है आप उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।